हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेसन में सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि रिलेशन बताता है। ओके, कोई दो वैल्यू है मेरा, उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये बड़ा है छोटा है या बड़ा और छोटा है, छोटा और बड़ा है, ऐसे करके जो रिलेशन होते वो सब अगर हम मेरे को पता करना, तो इसके लिए हम लोग रिलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं जावा में। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली टेस्ट करते हैं क्या कि ये बड़ा छोटा के लिए देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, और हमेशा ये चीज याद रखने का कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो सिर्फ अप्लाई प्रिमिटिव डेटा टाइप में सभी के लिए बुलियन को छोड़ के। ठीक है, बुलियन ट्रू और फॉल्स है, तो इसके साथ हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेस्टिंग ऑपरेशनल ऑपरेटर ये भी अलाउ नहीं है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन सा है, चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। एक ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, बड़ा बड़ा और बराबर। ठीक है, और या वाला, ओके, बड़ा या बराबर, एक ये हो गया आपका लेस देन और दूसरा हो गया लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो छोटा या बराबर, ये जो चार ऑपरेटर हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। एक डमी प्रोग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हटा दो। अभी देखो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन है, बड़ा बड़ा या बराबर, छोटा छोटा या बराबर, ये चार जो हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर हैं। अभी पांच बड़ा है दस से। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हमेशा देगा ना, ये बुलियन रिटर्न करेगा। जब हम दो वैल्यू को कुछ ऐसा कंपेयर कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, अगर ये सही रहा तो ट्रू रिटर्न करेगा और गलत रहा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तभी पांच क्या दस से बड़ा है, नहीं, पांच दस से बड़ा नहीं है, दस बड़ा है, तो ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या देगा, फर्स्ट वाला, पहला वाला प्रिंट करेगा हमारा कि ये फॉल्स है। ओके, मतलब गलत है। दूसरा, चार जो है छोटा है कैरेक्टर ए से, कैरेक्टर ए का एस की वैल्यू है 197, तो चार जो 197 से छोटा ही है। ओके, तो ये हमारा रिटर्न करेगा ट्रू। पांच जो है 5.5, साढ़े पांच से पांच छोटा है, पांच छोटा है, साढ़े पांच बड़ा है, तो यहाँ पे हमने सही लिखा है कि पांच जो है साढ़े पांच से छोटा है, तो ये भी हम क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। बी जो है, एक कैरेक्टर मैंने लिया बी, बी का एस की वैल्यू 198, 198 जो है 13.0 से बड़ा है, जाहिर सी बात है ये बड़ा है ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो फॉल्स, पहला वाला फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। देखो फॉल्स आया, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, तो रिलेशन ऑपरेटर क्या होता कि दो प्रिमिटिव वैल्यू के बीच में हम लोग को रिलेशन दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए बेसिकली, कि बड़ा है या छोटा है। अब जैसे मैंने बोला कि बुलियन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर के साथ। अभी मान लो कि मैंने एक ले लिया, ठीक है, क्या लिया, एक बुलियन वैल्यू लिया ट्रू और एक फॉल्स। ओके, ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, द ऑपरेटर ग्रेटर देन इज अनडिफाइंड फॉर द आर्गुमेंट टाइप बुलियन, बुलियन के लिए ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, दूसरी चीज हमने क्या बोला कि रिलेशनल ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ अलाउड नहीं है। चलो मान लो कि इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ओबीजे इक्वल टू न्यू ओबीजे नाम से एक क्लास बनाया। अभी मैं ओके एक सी शॉर्ट लिखता हूं, ठीक है, अभी ओबीजे जो है उसको हम ओबीजे के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, चेक कर रहे हैं कि जो ओबीजे है क्या ओबीजे से बड़ा है। क्या बोल रहा है, द ऑपरेटर ग्रेटर देन इज अनडिफाइंड फॉर द आर्गुमेंट टाइप रिलेशनल
ओपी एक्स जो हमारा क्लास का नाम उसके लिए अनडिफाइंड है, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ अलाउड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, लास्ट वन, हम बात करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर उसको नेस्टिंग जो एक के बाद एक साथ में जो रखते एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ टाइप का, तो वैसा भी अलाउड नहीं है। नेस्टिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज नॉट अलाउड। मान लो कि मैंने एक कंडीशन लिखा, ठीक, इफ लिया, तो इफ छोड़ दो, सी शॉर्ट पे देखते हैं, जब कंट्रोल फ्लो देखेंगे तो फिर हम लोग इसको देख लेंगे। अभी मैंने क्या लिया, 5 greater than 10, ओके, उसके बाद ये 2 कर दिया नेस्टिंग। अभी ये चेक कर रहा है, क्या बोल रहा है, द ऑपरेटर इज अनडिफाइंड फॉर द आर्गुमेंट टाइप बुलियन इंट। क्यों, 5 जो है ये 5 जो है ये क्या हो गया, कन्वर्ट होके बुलियन बन गया। 5 जो है 10 से बड़ा है, नहीं नहीं है, तो ये क्या किया, पहले उसको फॉल्स किया, उसके बाद 2। तो आप, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बुलियन को कंपेयर कर रहे हैं इंटीजर से, जो कि एरर देगा। क्या बोल रहा है ये, बुलियन और इंट अनडिफाइंड, ओके, तो ये चीज भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, मेन चीज, अब कुछ जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समराइज के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए जब आप देखें तो याद रहे कि ये क्या होता है। ठीक है, मेन पॉइंट, रिलेशनल ऑपरेटर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप एक्सेप्ट बुलियन। रिलेशनल ऑपरेटर हम प्रिमिटिव, जो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसी में सिर्फ ये अप्लाई है, बुलियन को छोड़ के, मतलब 7 के अंदर ही हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑब्जेक्ट टाइप, हमने देखा एक ऑब्जेक्ट बना के वो अनडिफाइंड बोलता है। नेस्टिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे हमने ये नेस्टिंग वाला एग्जाम्पल देखा, जो हमने लिख कर दिया लाइन, कि वो पहले एक के बाद एक ऐसे 3 कंडीशन डाल रखे हैं, तो पहला को बुलियन में कन्वर्ट कर देता है, फिर बुलियन एंड इंट अनडिफाइंड है आर्गुमेंट, ऐसा एक्सेप्शन मेरे को कंपाइल टाइम पे ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो, या कुछ और भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट कीजिए और पूछिए। ठीक है, आपका जो भी डाउट रहेगा, जो भी प्रश्न रहेंगे आपके, उसका उत्तर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।